ये वो मुद्दा है जिसे बिहार और उत्तर प्रदेश चुनाव में खूब उठाया गया। उत्तर प्रदेश में इस पर गंगा की सौगंध खाने तक की चुनौती दी गई। जी बात है बिजली की। अब उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार ने 2019 तक राज्य में सबको बिजली देने का लक्ष्य रखा है। साथ ही आने वाले गर्मियों के महीनों में गांव में कम से कम 18 घंटे और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देने की योजना बन रही है। राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल इस समस्या से भिड़ गए हैं। दोनों के बीच आज एक लंबी बैठक हुई। तार है उसमें बिजली नहीं होती है। चुनाव में बिजली को बड़ा मुद्दा बनाने वाली बीजेपी यूपी में सरकार बनते ही इसे लेकर एक्शन में आ गई है। योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने घर घर बिजली पहुंचाने के वादे को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत श्रीकांत शर्मा ने आज देश के बिजली मंत्री पीयूष गोयल के साथ करीब 2.5 घंटे तक बैठक की। इस बैठक में तय हुआ कि 2019 तक राज्य में सबको 24 घंटे बिजली मिलने लगे। 2019 से पहले पहले हर खेत को 24 घंटे बिजली मिले, हर घर को 24 घंटे बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले और जो इंडस्ट्री है उसको क्वालिटी की बिजली मिले। हालांकि इस दावे को हकीकत में बदलना एक बड़ी चुनौती होगी। मौजूदा स्थिति के मुताबिक अगर उत्तर प्रदेश के गांवों की बात की जाए तो अभी सिर्फ 48% घरों में बिजली पहुंच पाई, यानी अगले 2 साल में यूपी के गांवों के करीब 52% घरों में बिजली पहुंचानी होगी। वहीं केंद्र सरकार ने देश भर में जिन 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था उसमें से यूपी के 1,529 गांव थे। इनमें से 1,464 गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार अगले 2 सालों में यूपी के हर घर में बिजली पहुंचाने की बात कर रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 15 अप्रैल तक यूपी सरकार केंद्र सरकार के साथ एक समझौता करेगी। समझौते के तहत राज्य की बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक हालत सुधारी जाएगी। इसके अलावा ढांचागत सुविधाएं जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग नीचे तैयार कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से लगी हुई है। प्रदेश की नई सरकार ने गर्मी के मौसम में बिजली की मांग से निपटने की भी तैयारी की है और दावा है कि इस गर्मी में हर गांव को 18 घंटे, हर तहसील को 20 घंटे और जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। दिल्ली से प्रशांत की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की एजेंसी अर्बन ज्योति अभियान के मुताबिक हर महीने यूपी के शहरों में औसतन 25 घंटे बिजली नहीं होती, जबकि राष्ट्रीय औसत है 7.5 घंटे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।